मौत किसी भी आदमी को जब जन्म लेता है तो मौत तो स्वाभाविक है, लेकिन लोग जो संदिग्ध मौत की बात कहते हैं वो जांच का विषय है, और जांच में जो सत्यता होती है उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। आज के दिन में विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट ही एक ऐसा है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। लोकतंत्र की स्थापना में जनता जनार्दन है, जिसके आधार पर लोगों ने संविधान की रचना किया, तो उसके आधार पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया है। आज के दिन में कार्यपालिका के आधार पर न्यायपालिका ने जो भी निर्णय दिए हैं उसका सबका समर्थन करना चाहिए, और किसी की मौत पर राजनीति नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना। देखिए, अभी पहला तो है कि हमारी सरकार माननीय योगी जी हैं, वो कभी भी कुछ होते हैं तो उस पर विशेष रूप से जांच करते हैं, जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। आज के दिन में देखिए कि उसमें जब पोस्टमार्टम में टीम गठित हो गई है उसमें डॉक्टरों की टीम लगी थी, तो पोस्टमार्टम का इंतजार करना चाहिए, विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा बचा क्या है। आज के अनुसार लोगों को हमेशा पोस्टमार्टम जो होता है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए, और लोकतंत्र में स्वतंत्र भारत है, किसी को बोलने की छूट है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को कोई भी बोल दे जो आरोप लगाए, आरोप प्रत्यारोप निराधार है। लेकिन पहले तो नियम देखिए यही है कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही तय होता कि किसी की मृत्यु कैसे हुई है, हार्ट अटैक से हुई है, क्योंकि मैं तो खुद डॉक्टर रहा हूं ना, हमें मालूम है ना कि किसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट एकदम एग्जैक्ट जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर विज्ञान उस पर स्थापित कर देता कि किस कारण से किसी की मृत्यु हुई है। उसके बाद आगे का विषय है, हमारी सरकार हर पहलू पर जब भी कोई विपक्ष सवाल उठाता है उस पर सरकार उनके सवालों का जवाब दे देती है, और निश्चित रूप से जांच में जो सत्यता होती है वो आ जाती है। मौत किसी भी आदमी को जब जन्म लेता है तो मौत तो स्वाभाविक है, लेकिन लोग जो संदिग्ध मौत की बात कहते हैं वो जांच का विषय है, और जांच में जो सत्यता होती है उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। आज के दिन में विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट ही एक ऐसा है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। लोकतंत्र की स्थापना में जनता जनार्दन है, जिसके आधार पर लोगों ने संविधान की रचना किया, तो उसके आधार पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया है। आज के दिन में कार्यपालिका के आधार पर न्यायपालिका ने जो भी निर्णय दिए हैं उसका सबका समर्थन करना चाहिए, और किसी की मौत पर राजनीति नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना। देखिए, अभी पहला तो है कि हमारी सरकार माननीय योगी जी हैं, वो कभी भी कुछ होते हैं तो उस पर विशेष रूप से जांच करते हैं, जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। आज के दिन में देखिए कि उसमें जब पोस्टमार्टम में टीम गठित हो गई है उसमें डॉक्टरों की टीम लगी थी, तो पोस्टमार्टम का इंतजार करना चाहिए, विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा बचा क्या है। आज के अनुसार लोगों को हमेशा पोस्टमार्टम जो होता है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए, और लोकतंत्र में स्वतंत्र भारत है, किसी को बोलने की छूट है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को कोई भी बोल दे जो आरोप लगाए, आरोप प्रत्यारोप निराधार है। लेकिन पहले तो नियम देखिए यही है कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही तय होता कि किसी की मृत्यु कैसे हुई है, हार्ट अटैक से हुई है, क्योंकि मैं तो खुद डॉक्टर रहा हूं ना, हमें मालूम है ना कि किसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट एकदम एग्जैक्ट जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर विज्ञान उस पर स्थापित कर देता कि किस कारण से किसी की मृत्यु हुई है। उसके बाद आगे का विषय है, हमारी सरकार हर पहलू पर जब भी कोई विपक्ष सवाल उठाता है उस पर सरकार उनके सवालों का जवाब दे देती है, और निश्चित रूप से जांच में जो सत्यता होती है वो आ जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।